ओके okay, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और जो सबसे बड़ा सवाल लोगों का है जिसका जवाब मेरे पास है नहीं फ्रेंकली और ना मैं कोई प्रियम करना चाहता हूँ मार्केट को उसका जवाब देने देंगे कि ये एक नई तेज़ी की शुरुआत है या शॉर्ट कवरिंग है देखिए एक चीज़ तो मैं हंड्रेड परसेंट कहूँगा कि ट्रंप की जीत एक सेक्टर रोटेशन का एक ट्रिगर है एक अच्छा आशीष अच्छा, एक चीज़ हमारी लगातार बात हुई है आईटी 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 टी आई हमने बार बार एक चीज़ बात की थी कि आईटी पर फोकस करिए आईटी इस पूरे साल हमारे एक जो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक व्यू रहा है कि 25 परसेंट होना चाहिए या तीस से 35 परसेंट होना चाहिए और कल एक तरीके से आई में जो टर्न अराउंड आया वो एक ना सिर्फ एक बड़ा साइन था आगे के लिए लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी आगे क्या करना इसका एक बड़ा साइन था ट्रम्प के जीत के दो तीन जो मतलब हैं उसको समझिए और उसके बाद उसको पोर्टफोलियो में ढालने की कोशिश करिए एक तो सस्ता क्रूड और दूसरा ब्याज दरों में कमी आ, क्योंकि वो अब ट्रम्प प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर भी पावर साहब के ऊपर भी वो आज जो उनकी कमेंट्री आएगी उसमें शायद आपको दिखाई भी दे तो मेरा ये मानना है कि आईटी मेटल्स और स्मॉल कैप्स यहाँ पर शायद एक और फ्रेश रैली की शुरुआत हो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है उसके अलावा ट्रम्प कल मैं रमेश दमानी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था हमारे सिस्टर चैनल पर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि ट्रंप की जीत का इस समय हनीमून है लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो उन्होंने टैरिफ की बात सिर्फ चाइना के लिए नहीं की हमारी इंडिया के लिए भी उन्होंने कई बार टैरिफ की बात की आपको क्या होगा रॉयल एनफील्ड वगैरह पर एक बार पहले भी उनका व्यू काफ़ी नेगेटिव रह चुका है तो हाँ ये चीज़ है कि चाइना के मुकाबले शायद इंडिया बेटर परफॉर्म करे ये एक्सपेक्टेशन अंडर ट्रंप होगी लेकिन फिर भी मैं ये कूँगा कि एक थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ ट्रंप आगे इसका मतलब ये नहीं कि बस अब ताबड़तोड़ रैली होगी हमारी मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड थी हमारी मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए था शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर वहाँ से आ गया लेकिन जो कल डेटा आया ना वो डेटा मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कल के डेटा में पता क्या हुआ आशीष सबसे ज़्यादा बाइंग रिटेल और एच एन आईज़ ने किए सबसे ज़्यादा लॉन्ग भी उन्होंने जोड़े हैं कैश मार्केट में भी उन्होंने खरीदा है क्योंकि एफ को सेलिंग है एफ में एफ ने तो एक्चुअली बेचा है तो वो भी क्लाइंट्स ने ऐड किया है कल एफ ने लॉन्ग काटे और शॉर्ट ऐड करे अब ये देखिए ये आ, वो पोजिशनिंग है जिसकी बात कर रहा था उसमें क्लाइंट्स फोर पॉइंट लाख और लॉन्ग और टू पॉइंट लाख शॉर्ट मतलब क्लाइंट्स करीब करीब टू पॉइंट लाख नेट लॉन्ग है डी तो खैर हेज करते तो उसका कोई इतना मतलब होता नहीं है एफ़ आई एस देखिए पॉइंट एट थ्री लैख लॉन्ग और टू पॉइंट थ्री एट लैख शॉर्ट और प्रॉप ट्रेडर्स जो होते हैं उसमें पॉइंट फाइव थ्री लैख लॉन्ग है और पॉइंट नाइन फाइव लैख शॉर्ट है प्रॉप ट्रेडर्स बेसिकली जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं एल्गोज वगैरह होते हैं वो सब होते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है एफ एंडो में एफ एनडो में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, वल्नरेबल है वो क्लाइंट्स हैं रिटेल वगैरह जो हैं वो ज़बरदस्त लॉन्ग हो गए तो जो मैंने एक लाइन लिखी थी ना कि एफ आई एस ने तो फिर इनफैक्ट कल लॉन्ग कल भी लॉन्ग काटे हैं और कल भी शॉर्ट जोड़ें और उसमें आप ये ऐड कर दीजिए दूसरी लाइन कि कल के मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉन्ग और जो जोड़े वो रिटेल और एक्सचनाइज ने जो बनाया तो ये कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ रिटेल फंसा तो वो लंबा फंसेगा अगर फंसा तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि आ, हो सकता है मार्के रिटेल सही हो और हो सकता है मार्केट नया हाई लगा दे ये पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में रहेंगी लेकिन पता नहीं फीलिंग आ रही है कि ये फंसने वाली रैलिंग है फंसने वाली रैली है मेरा ये मानना है कि इस बाज़ार में अभी नया पैसा मत डालिए और ये जो रैली आ रही है ना ये रैली एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है खराब क्वालिटी के स्टॉक्स में से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में मैंने पहले भी कहा था कि आप बने रहें रैली में भी बने रहें डिक्लाइन में भी बने रहें उसमें कोई दिक्कत नहीं है और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूं यहां पर अब फ्रंट और मैं थोड़ा सा इसके आगे जाके इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा आईपीओ क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रही है मार्केट में इस समय जो भी आई पी आ रहे हैं उसमें से मुझे एक ढंग का नहीं लग रहा है ठीक है और पिछले सारे आई या तो बहुत महंगे थे या काफ़ी ख़राब क्वालिटी के थे और स्विगी के अलावा मुझे फ्रैंकली किसी भी आई में जो अभी खुले हैं या आगे खुलने वाले हैं उनमें किसी में मुझे दम नहीं दिख रहा है ठीक है तो इवन तो, इंक्लूडिंग जो एक दो रिसेंट लिस्टिंग हुई है इवन uh, इंक्लूडिंग वो इवन वारी फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे उसका वो दे रहा हूँ वो मतलब इतने महंगे वैल्यूएशन पर आप आई नहीं ला सकते तो ये मेरा मानना है कि मार्केट आई मार्केट भी थोड़ी खराब हो रही है उस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट पर अब मैं थोड़ा सा कॉशिश हूँ इस समय